नक्सल अभियान में 14 अगस्त 2023 को चाईबासा सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी कांस्टेबल गौतम शहीद हुए थे। इसी के मद्देनजर झारखंड पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रधान में शहीद के परिजनों को कंपनसेशन के तौर पर सब इंस्पेक्टर अमित कुमार तिवारी को 25 लाख का चेक डीजीपी अजय कुमार सिंह ने दिया। इसके अलावा झारखंड सरकार की तरफ से दिवंगत अमित तिवारी को 1,78,00,000 मिल चुका है। वहीं 15 लाख का चेक कांस्टेबल गौतम कुमार के परिजनों को दिया गया। इसके अलावा झारखंड सरकार की ओर से ही 1,63,000 मिल चुका है। पुलिस मुख्यालय में एक सादे समारोह में के दौरान भाजपा ने इस विशेष कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार पॉलिसी के तहत दिवंगत के परिजनों को मुआवजा राशि दी गई, जो त्वरित प्रक्रिया के बाद निष्पादित हुई है। और जैसा कि हमारे आईजी ऑपरेशन ने भी बताया है कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और झारखंड पुलिस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जो कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के जो कंपनसेशन स्कीम है उससे पहले किया गया था। तो इसके तहत अन्य सुविधाओं के अलावा ये भी सुविधा थी कि जो कुछ एक्सीडेंटल जो क्लेम्स होंगे वो उनका अलग अलग कैटेगरी अलग अलग स्लैब्स यूज कर दिए गए थे। तो आज हम लोग यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वैसे ही एक मौके पर आए हैं जिसमें 14 अगस्त के दिन दो जो हमारे साथी थे वो शहीद हुए थे, जितने भी जो नक्सल वहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं उसके ऑपरेशन के दौरान। तो जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है, जो हमारे सब इंस्पेक्टर थे अमित कुमार तिवारी, उनको इस स्कीम के तहत अभी 25 लाख का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वो चेक दिया गया है, और जो हमारे दूसरे आरक्षी गौतम कुमार थे उनके परिजनों को 15 लाख का चेक दिया गया है। ये सिर्फ वो एक्सीडेंटल कवरेज है, बाकी इसके अलावा जो राशन दी गई है वो आईजी ऑपरेशन ने बताया था कि उनके अकाउंट्स में चली गई है। इसके अलावा भी बहुत तरीके की जो सुविधाएं हैं जो अकाउंट्स के साथ में जुड़ी हुई हैं उसका डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ बैठ करके आज हम लोगों को मिलने का ये है कि हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है वो आगे भी विधिवत इसी तरह से चलता रहेगा, और काम के साथ साथ जो भी हमारे जवान हैं हमारे जो ऑफिसर्स हैं अगर उनको किसी तरीके की तकलीफ होती है कोई परेशानी होती है तो विभाग जो है वो भी उनके साथ हमेशा खड़ा रहने की कोशिश करता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे भौतिक रूप से हो। तो और अभी इसमें और अधिक कुछ कहने का अभी इसमें है नहीं, आपके जो प्रेस विज्ञप्ति है और इसके डिटेल्स से वो आप सबके साथ शेयर कर लिए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।